असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने असम में लैंड और लव जिहाद रोकने के लिए दो नए कानून बनाने का ऐलान किया है, जिसके तहत असम में जमीन खरीदने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी और लव जिहाद करने वालों को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने असम में जल्द एक नई जो मिसाइल पॉलिसी लाने की भी बात कही है, जिसके तहत केवल असम में जन्मे लोग ही राज्य सरकार की नौकरियों के लिए प्राप्त होंगे। इलेक्शन समय लाभ जेहदर कथा कैसी अहा किसुदिन भरते एन नतून आईन आनी जो निकी लाभ जेहदर कारादंड आजीवन कारादंड रूपान्तर कर आगते इंटर रिलिजियन माटि ट्रांसफार हो हिंदू माटि मुसलमान किनी मुसलमान माटि हिंदू किनी सीमा देश में बाधा दी नो कि सरकार नतुनक सिद्धान लैसे जो एज हिंदू माटि मुसलमान कहते और एज मुसलमान माटि हिंदू कहते मुख्यमंत्री अनुमोदन लिया पीछे लैंड सेल पार्मिशन हम मुख्यमंत्री अनुमोदन लिया पीछे लैंड सेल पार्मिशन लग पड़े। पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। प्रदर्शनकारियों और आवामी लीग सदस्यों में झड़प के दौरान 91 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 15 पुलिसकर्मी तक हैं और प्रदर्शनकारियों ने पीट पीट कर इन्हें मार डाला। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही मारू राजस्थान में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ। आगे देखिए कोरबा। We'll be right back.